लेकिन किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? कांग्रेस ने तो धेला नहीं दिया। ये सुमित्रा बहन हमारी सामने खड़ी है, ये मेरे पास आई और मैंने कहा मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा दुखी क्यों बहन? अरे बोले क्षेत्र में घुस नहीं पा रही, कोई काम ही नहीं दे रहे, ना सड़क दे रहे, ना बिजली दे रहे, ना पानी दे रहे, ना नेपानगर के अस्पताल का उन्नयन कर रहे। बोले भैया मैं तो परेशान हो गई। मेरे का बहन तू कहां फंस गई दुष्टन में, कहां की पार्टी में चले गई है? कांग्रेस जब तक रहेगी कुछ देगी क्या? और इसलिए सुमित्रा ने तय किया कि मैं भले ही विधायक की छोड़ना पड़े तो छोड़ दू, लेकिन अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं रहूंगी, अपनी जनता के साथ रहूंगी। और इसलिए हमारी ये बहन कांग्रेस को राम राम करके भारतीय जनता पार्टी में आ गई और आज आपका आशीर्वाद मांगने आई है। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना और ये भी मुठवा बाबा की कृपा से बना। मैंने तो सोचा ही नहीं था, अपन ने तो सोचा 5 साल की छुट्टी, आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बाबा की कुछ ऐसी कृपा हुई कि 7 साल में मामा फिर लौट के आ गया। कांग्रेस के पाप का घड़ा 7.25 साल में भर गया तो सुमित्रा ने भी नक्श मार के फोड़ दिया। 28 विधायक हमारे साथ आ गया, सरकार गिर गई। अब मैं आया हूं तो काम करने आया हूं, और इसलिए सुमित्रा जी ने, नंदू भैया ने जो जो काम बताए अर्चना दी वो सारे के सारे कर दिए। मैंने कोई काम छोड़ा नहीं विकास का, वो आज गिनाने नहीं आया। लेकिन एक ही बात कहता हूं सुमित्रा जी, चिंता मत करना, हम कमलनाथ थोड़ी जो काम नहीं करें। अरे ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर विकास का, पिक्चर अभी बाकी है। आज मैं आया तो मुझे और काम बताएं। देखो अपन काम कैसे करते हैं। एक बार 2 साल पहले तूफान आया, हवाई केला खराब हो गया, नंदू भैया और अर्चना दीदी के साथ आया था। केला में राहत की राशि पहले मिलती नहीं थी, मैंने आते ही घोषणा की कि जिनका नुकसान हुआ 1 लाख रुपया प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि दूंगा। इन्होंने कहा कैसे दोगे, कानून तो है ही नहीं। अरे इनका कानून कोई ब्रह्मा जी ने कोई लिख के भेजा है? मामा मुख्यमंत्री, मैं नया कानून बना दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। और हमने दे दिया। वैसे ही आज मैं कह रहा हूं चिंता मत करना, आज आपने मुझे कहा है जो राजस्व की जमीन पर बरसों के कब्जे हैं, कोई के भी हो रहे भैया सुन लो, आज तय कर रहा हूं मैं मिनाई की जमीन, राजस्व की जमीन पर जिनके बरसों पुराने कब्जे हैं उन आदिवासी भाइयों को भी और जो आदिवासी नहीं है उनको भी मिनाई के पट्टे दिए जाएंगे। अब सवाल उठेगा कि नियम मैं बनाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री काहे के लिए बनाऊं? अरे ऐसा मुख्यमंत्री काम का है कि नियम यही है? अरे नहीं, ये नियम तो बना दो भैया, काहे को जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है? आज मैं घोषणा कर रहा हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश वासी सुन लें। बरसों से रेवेन्यू की जमीन पे पीढ़ियां हो गई, 2 पीढ़ी हो गई, 3 पीढ़ी हो गई, कब्जा है जमीन उनके कब्जे में, खेती कर रहे हैं लेकिन पट्टा नहीं है, बाकी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता। उनको नए नियम और कानून बना के मिनाई के पट्टे दे दिए जाएंगे। और आदिवासी भाइयों जिनके पुराने कब्जे, नए कब्जे की हम बात नहीं करते, जिनके पुराने कब्जे हैं 2005 तक के पहले के, उन सब आदिवासी भाइयों को भी पट्टे दिए जाएंगे। हम न्याय देने के पक्ष अन्याय नहीं होते जाएंगे, यह जनता के लिए जरूरी है।
और जब हमने कहा कि ये मिनाई के पट्टे भी देंगे, 2005 से पहले के जिनके वन भूमि के हैं केवल वो चूंकि कानूनी अधिकार है वो देंगे। अरे मेरे बहनों और भाइयों, अभी मुझे एक और मंडल अध्यक्ष जी ने, साथियों ने कहा कि बीपीएल का सर्वे, अरे सुनो भैया गरीब जो रह गए हो, मैंने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ही तत्काल 37 लाख गरीबों के नाम 1 रुपया किलो गेहूं और चावल की सूची में जोड़े। सुमित्रा जी, नंदू भैया, हमारा नेतृत्व बैठा है, मैं आपसे कह रहा हूं कोई गरीब शेष नहीं रहना चाहिए। मंडल अध्यक्ष जी, अर्चना जी, जितना नेतृत्व बैठा है, ढूंढ लो भैया कौन गरीब छूट गया है, सूची बना लो, सबके नाम 1 रुपया किलो गेहूं चावल की सूची में जोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भूखा नहीं सोएगा, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर ले अपनी कंठी माला। सबसे बड़ा सवाल है पेट का सवाल, रोटी चाहिए, और ये मामा के राज में कोई भूखा नहीं सोएगा। जितने नाम छूट गए हैं वो सारे नाम जोड़े जाएंगे। अरे काय के लिए मुख्यमंत्री हैं, इसलिए थोड़ी कमलनाथ जी के वल्लभ भवन में कुर्सी पर जम के बैठ गए और मिचमिचाते रहे, किसी के लिए कुछ करे ही नहीं, जनता को देखे ही नहीं। आपकी भलाई के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं। और किसान भाइयों, हम 0% ब्याज पर कर्जा देते थे, दादा कमलनाथ आ गए, क्या तो दिया सबका कर्जा माफ, उस चक्कर में रेगुलर वालों ने भी नहीं दिया, डिफाल्टर हो गए, 0% के बजाय 18% ब्याज का कब्जा, 18% ब्याज लग रहा है, ब्याज की गठरी सर पे इतनी ऊंची हो गई कि ब्याज चुकाते नहीं बन रहा। तो सुन लो रे किसान भाइयों, कमलनाथ के कारण जो कर्जा में डूब गए, ब्याज की गठरी जिनके सर पे रखी है, तुम्हारे ब्याज की गठरी मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। मैंने फैसला किया है इस कारण जो ब्याज में डूब गए ब्याज के कर्जे में, हम भरेंगे उनका पैसा, कमलनाथ के पाप की सजा किसानों को नहीं भुगतने देंगे, नहीं भुगतने देंगे। झूठे बातें करके तबाह बर्बाद कर दिया मध्य प्रदेश के किसानों को, और बाद में ठेंगा बता दिया। ऐसे कमलनाथ और कांग्रेस किस काम की मेरे बहनों और भाइयों, मेरे बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी है, जरा पूछो तो कांग्रेस और कमलनाथ से, हम कहते चुनाव के मुद्दे क्या है, तो उनके चुनाव के मुद्दे है मुझे गाली देना, रोज गाली देते हैं, मामा को कहते हैं ये घुटना टेक है, कभी कहते हैं ये तो नंगे भूखे परिवार से आता है, कभी कहते हैं ये तो नालायक है, और एक नेता दिल्ली से आए बोले शिवराज सिंह तो कमीना है। अरे सेठ कमलनाथ, क्या हो गया भाई तुम्हें, ये चुनाव के मुद्दे कि शिवराज सिंह चौहान कमीना है? सुन लो सेठ, हम कमीने, लेकिन इसने अपने गरीब बेटा और बेटी, चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी, हमने तय किया मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जिनकी 8 लाख रुपया से कमाई है परिवार की, और उनके परिवार के बेटे बेटी अगर पढ़ने में तेज है, और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होता है, तो चाहे 8 लाख रुपया साल की फीस भी हो, वो फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। मैंने चालू की, सेठ ने बंद कर दी कमलनाथ योजना। अब सुन लो मेरे भांजे भांजो, मामा फिर से तुम्हारी फीस भरवाने का काम करेगा, चिंता मत करना, पढ़ाते जा रहे बेटा बेटियों को, मामा तो आ गया, आप काहे की चिंता करते हो, हम फिर से फीस भरवाएंगे। सेठ जी, मुझे गाली देते हो, ये मेरी बहन बैठी है, मेरी बहनों, मैंने तय किया कि मेरी गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया खाते में डालेंगे, ताकि गरीब बहन को भी खाने लड़ुआ मिल जाए, घर पे रह के आराम कर ले।
मैंने चालू किया, लेकिन ये कांग्रेस और सेठ कमलनाथ, तूने योजना बंद करके मेरी गरीब बहनों के मुंह से लड़ुआ के 16,000 रुपया भी छीन लिए रे। ये कांग्रेस है, मैं देता हूं वो छीनते हैं। लेकिन बहनों, अब फिर तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री बन गया है, गरीब बहनों को डिलीवरी के 16,000 रुपया देना फिर से चालू कर दिया जाएगा, ताकि मेरी बहनें घर पे रह के आराम कर सके। हम कबीले कहते हो सेठ कमलनाथ, तुम जवाब दो। प्रधानमंत्री ने आवास योजना के मकान भेजे, प्रधानमंत्री आवास योजना के, ये कमलनाथ बीच में गप कर गए, खा गए, गरीबों को कुटीरे नहीं दी, 2 लाख से ज्यादा वापस भेज दी। सुनो रे गरीब बहनों और भाइयों, आदिवासी भी और गैर आदिवासी भी, 3 साल में हर गरीब की कच्ची झोपड़ी के जगह पक्की कुटीर और मकान बना के दे दिए जाएंगे। हम आपकी जिंदगी बदलने के लिए हैं, लेकिन हम कमीने हैं, ये वो कहते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, नल लगा के 3 साल के अंदर घरों में नल लगा के, नल जल योजना की लाइन बिछा के, टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा, टोंटी खोलोगी तो झरझर घर में पानी आएगा, बाहर हैंडपंप पे नहीं जाना पड़ेगा। लाड़ी लक्ष्मी योजना इन्हें ठंडे वस्त्र में पटक दे, फिर से चालू की जाएगी। और सेठ कमलनाथ, हम कमीने हैं, तुम्हारी पार्टी कहती है, लेकिन तुमने क्या किया, मेरी बेटियों की शादी करना था, हम करते थे। कन्यादान योजना में एक गृहस्थी का सामान, छोटा सा गृहस्थी का सामान देते थे, तुमने कहा 51,000 देंगे, और 51,000 की कह के शादियां तो खूब करवा दी, बेटियों की डोली उठ गई, ससुराल पहुंच गई, साल भर हो गया, भांजे भांजी भी घर आ गए, लेकिन सेठ तेरे 51,000 आज तक नहीं आए रे। तूने ढेला नहीं दिया, लेकिन कमीने हम हैं भाई, तुम सेठ हो। कितनी बात मैं बताऊं मेरे बहनों और भाइयों, मैं एक्सीडेंट में मौत पे 4 लाख रुपया देता था, ताकि कोई गरीब की मौत हो जाए तो विधवा बहन की जिंदगी उसके लिए पहाड़ ना बन जाए, उसकी जिंदगी कट जाए। वो 4 लाख रुपया सेठ कमलनाथ तुमने बंद कर दिए, विधवा बहनों के 4 लाख छीन लिए। अरे और अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम विदाई के लिए 5,000 रुपया कफन के में देता था, सेठ कमलनाथ मुझे कभी ना कह रहे हो, लेकिन आपने तो कफन के 5,000 भी गरीब के छीन लिए, 5,000 भी छीन लिए। और ये सारी योजनाएं मामा फिर से चालू करेगा, क्योंकि हमें तो जनता की सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री बनना है, आपके लिए मुख्यमंत्री बनना है। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, मैंने एक योजना बनाई अपने बच्चों के लिए कि अगर मेरे आदिवासी बेटा बेटी शहर में जाके कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और रहने को हॉस्टल नहीं मिलता, किराया का कमरा लेके रहते हैं, तो कमरे का किराया उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान चुकाएगा। लेकिन सेठ कमलनाथ, तूने वो योजना भी बंद कर दी, अब मेरी बेटा बेटियों चिंता मत करना, मामा आ गया है, तुम्हारे कमरे का किराया फिर मामा भरवाएगा। अगर विदेश भी पढ़वाने भेजना पड़े तो मामा भेजेगा, मैं बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं रहने दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने मेरे बहनों और भाइयों किसानों को 6,000 रुपया साल दिए, लेकिन सेठ कमलनाथ ने रस्ते में गायब कर दिए, सूची नहीं भेजी, 77 लाख किसानों के नाम काट दिए। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने 77 लाख नए नाम प्रधानमंत्री जी के किसान सम्मान निधि में जोड़ दिए, लेकिन जब मैं सूची बना रहा था तो मेरे दिमाग में बात आई कि शिवराज, प्रधानमंत्री जी 6 दे रहे हैं, तू 4थी बार बन गया रे, कम से कम सगुन तो कर, 4,000 तुरंत ही डाल दे। तो 6,000 में 4,000 जोड़ के मैंने 10,000 कर दिए। और सुनो रे किसान भाइयों, अभी तो ये शुरुआत है, सगुन के हैं, जरा खजाना अच्छा होने दो,
और पैसा आने दो, मामा कसर नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे खाते में पैसा भेज देंगे। कमलनाथ के दान तो खाते में पैसा आने ही बंद हो गए थे, लेकिन हम आपके लिए हैं मेरे बहनों और भाइयों। फिर से तीर्थ दर्शन योजना चालू होगी मेरे बहनों और भाइयों। नेपानगर और नेपानगर जैसी और कई स्थिति हुई कि जहां वन भूमि के कारण लोगों के मकान नहीं बन रहे, तो साफ सुन लेना इसमें नोयत परिवर्तित करके पट्टे दे के गरीबों के मकान बनवाने का काम किया जाएगा, ताकि वो सुविधाओं से वंचित ना रहे। खेतों तक पहुंचने के लिए किसान भाइयों, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना फिर से चालू की जाएगी, ताकि खेतों में जाने का रास्ता भी क्लियर हो जाए। और बुरहानपुर में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा, ताकि केले को हम बाहर भेज सकें और किसान को ठीक दाम मिल सके। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, उनने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, भ्रष्टाचार की बलि मध्य प्रदेश को चढ़ा दिया, जनता के खजाने का दुरुपयोग करके अपने घर भर लिए, विकास ठप्प कर दिया। लेकिन आज मामा ये कहने आया है, चिंता मत करना, सुमित्रा के कारण, ऐसे 28 विधायकों के कारण मैं फिर से मुख्यमंत्री बना हूं। आने वाले 3 साल में इस क्षेत्र की तस्वीर भी बदल दूंगा, विकास करके और जनता की तकदीर बदल के भी दे दूंगा। बोलो आप सबको मुझ पर विश्वास है? जोर से जरूर बताओ, सबको विश्वास है? अच्छा, एक सवाल का और उत्तर देना, समय ज्यादा नहीं है। मामा अच्छा कि कमलनाथ अच्छा? एक बार जोर से बताओ, मामा अच्छा कि कमलनाथ अच्छा? तो मामा को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, अब बने रहना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि सुमित्रा जीत जाए, कमल के फूल की बटन दब जाए। देखो, अगर बनते हैं तो आपके वोट से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बताओ मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे? बहन सुमित्रा को फिर से जिताओगे? कमल के फूल की बटन दबाओगे? और बाकी को भी जाके समझाओगे? मेरी बहनों, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को इस बार 1400 करोड़ रुपया 1 साल में देने वाले हैं, ताकि नए नए काम बहनों के शुरू होकर महिला सशक्तिकरण हो सके। एक नहीं कई चीजें हैं, लेकिन सूर्य देव अगर डूब गए तो मामा यहीं रह जाएगा और फिर सावेर की सभा नहीं हो पाएगी। और इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, और मैं पहले नेताओं को कह रहा हूं, चिंता फिरता मत करना, और कोई चीज रह गई हो तो बता देना। अरे नंदू भैया कह रहे खंभे खड़े तार नहीं है। सुनो रे भैया, सब खंभों में तार खिंचवा दिए जाएंगे, जाने के पहले अपनी अपनी जगह खड़े होके भारत माता की जय बोल के। और ऐप डाउनलोड करें डीजीआर नाम मीडिया ग्रुप।